दिल्ली में जहां एक तरफ आसमान से आग बरस रही है तो वहीं तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। तो अब दिल्ली वासियों के लिए एक नई पानी की दिक्कत आन पड़ी है। गर्मी से बचने के लिए कूलर और पंखे तो लोगों के पास हैं, लेकिन बिना पानी के कब तक रहेगी राजधानी की जनता। दिल्ली में नहाने धोने के लिए तो दूर, बल्कि पीने के पानी के लिए भी लाले पड़ गए हैं। दिल्ली के हाल में ही सामने आई तस्वीरें देखकर लग रहा है कि किसी अकालग्रस्त इलाके की तस्वीरें आई हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में 48 घंटों में सिर्फ एक बार पानी दिया जाता है, तो वहीं कई इलाकों में रात के समय पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके चलते लोग दिन में इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं तो वहीं रात में पानी के लिए जागने को मजबूर हैं। जब दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर इलाकों में जाते हैं तो लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं और लोग पानी के लिए लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं। जहां इलाकों में ट्यूबवेल की मदद से पानी दिया जाता था, वहां पानी का प्रेशर कम होने के कारण अब कुछ इलाकों में पानी रोक दिया गया है। ओखला के बंगाली कैंप में रह रहे लोगों की माने तो पिछले 25 वर्ष में वहां रह रहे नागरिकों ने बताया कि पानी को लेकर कोई भी विकास आज तक देखने को नहीं मिला है। वहां पर हर समय पानी को लेकर दिक्कत आम है, पर गर्मी आते ही ये दिक्कत वहां के लोगों के लिए काफ़ी बढ़ जाती है। इस बार पानी पर लगे प्रतिबंधों की वजह से दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई हैं। यहाँ पर दिन में एक बार आने वाले सरकारी टैंकर से 10,000 लोगों के पानी की ज़रूरत पूरी की जाती थी, तो अब यहाँ सिर्फ आधा ही टैंकर पानी आ रहा है, जिससे कुछ लोगों को खाली हाथ घर लौट जाना पड़ रहा है और अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ रहा है। यहाँ रह रहे लोगों के मुताबिक पानी खरीद कर उसमें गुजारा करने के लिए ये लोग सक्षम नहीं है, और तकरीबन ज़्यादातर लोगों का दिल्ली में यही हाल है। दिल्ली के रोहिणी में 48 घंटों में सिर्फ एक बार 1-2 घंटे के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें कई बार गंदा पानी भी लोगों को दिया जा रहा है। लोगों की माने तो इतनी गर्मी और पानी की इस किल्लत की वजह से जनता पानी के जार खरीदने को मजबूर है। वहीं पूर्व दिल्ली की बात करें तो स्थानीय लोगों में पानी की किल्लत की वजह से आक्रोश देखा जा रहा है। लोग पार्षद और विधायक से भी कई बार इस समस्या को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो पानी का 20 लीटर का जार लोगों को 30 रुपयों में मिल जाता था, वहीं अब वो 50 से कम में कहीं नहीं मिल रहा। मुंडका में रात को पानी की सप्लाई की जा रही है, जहां पर लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर जाने वाले लोगों ने बताया कि रात में पानी के लिए जागना पड़ रहा है, जिससे दिन में दफ्तर में परेशानियां हो रही हैं। या तो रात में पानी भर सकते हैं या फिर पैसे खर्च करके दिक्कतें कम कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आर्थिक खर्च का बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को 3 टैंकर फिलिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि पानी से हो रही किसी भी बर्बादी को रोका जाए और सभी बड़े कदम जल्द से जल्द उठाए जाएं। तो वहीं दिल्ली सरकार पर भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सभी दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते हुआ है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में ही पता लग गया था कि इस बार भीषण गर्मी के चलते पानी की किल्लत हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे जनता की समस्या का समाधान किया जा सके।